स्वागत आप सबका आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 के अंदर। ये शानदार रविवार रहने वाला है क्योंकि एक साथ आपको तीन मैचेस देखने को मिलेंगे पूरे दिन के अंदर। ट्रिपल हेडर है ये। पहला मैच है बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे के बीच में, जो खेला जाएगा द गाबा ब्रिस्बेन पे। मैच टाइमिंग सुबह के 8:30 बजे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा। जुड़ना कैसे है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। ये स्वैनी के ऊपर लास्ट टी20 का मैच खेला गया था 7 अक्टूबर को। मैच था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और जहाँ की पिच रहती है गाबा की, ये पिच बहुत बढ़िया रहती है, बैटर्स के यहाँ पर रन बनते हैं। याद करो यहाँ पे 2 वार्म अप मैचेस हुए थे, दोनों के अंदर बहुत सारे रन बने थे। एक तो इंडिया का मैच हुआ था, एक पाकिस्तान का मैच हुआ था। यहाँ पे दोनों वार्म अप मैच गाबा के ऊपर हुए थे, बहुत रन बने थे यहाँ पे। और इस पिच के ऊपर गाबा के अंदर गति होती है और बाउंस होता है, चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इस पिच के अंदर अच्छे से बॉल बैट के ऊपर आती है, उछाल रहती है समांतर और गति रहती है, ठीक है। तो इस वेन्यू के ऊपर प्रति ओवर जो लास्ट ईयर का बिग बैस्ट हुआ था, बिग बैस्ट सीजन 11, उसके अंदर यहाँ पे प्रति ओवर 8.4 रन बने थे। बहुत अच्छा वेन्यू है बैटर्स के लिए, रन बनते हैं इस वेन्यू के ऊपर। अब देखो जहाँ पे जो पिछले यहाँ पे कुछ टी20 मैचेस हुए ना, उसके अंदर यहाँ पे किस तरह से रन बने हैं। जो लास्ट मैच हुआ था ऑफिशियल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच में था 7 अक्टूबर को, उस मैच के अंदर यहाँ पे 178 बना था 7 विकेट गवा के। उससे पहले भी 178 बना, 161, 144, 187, 196 दिखाता है, पे बहुत रन बनते हैं। बस एक ही बार यहाँ पे 160 के ऊपर स्कोर नहीं किया था, ये दिख रहा है आपको 144 वाला, वरना हर बार यहाँ पे 160 के ऊपर बन रहा है। ये देखो 178, ये तो 178 फिर से बना, फिर 161 बना, 187, 196। अच्छा वेन्यू है, रन बनते हैं, टीम्स को अच्छा गेम दिखाना पड़ेगा अगर यहाँ पे जीतना है तो, ठीक है। दोनों टीम्स यहाँ पे ऐसी टीम्स है जो यहाँ पे जीत अपने आगे दर्ज कराना चाहेगी। बांग्लादेश के ऊपर कभी नहीं खेली है, जिम्बाब्वे भी यहाँ पे कभी नहीं खेली है। और पहली पारी के अंदर औसतन यहाँ पे 7 विकेट गिरते हैं, याद रखना, ठीक है आपको। और इस वेन्यू के ऊपर जो टीम बैट फर्स्ट करी है 7 मैच जीती है, जो टीम चेस करी है 5 मैच जीती। जो पिछला मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का, वो भी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बैट फर्स्ट करते हुए जीती थी। तो बैट फर्स्ट इज द सिंपल फॉर्मूला। और मेरे पास कुछ फोटोज ऑफ पिच वगैरह आपको दिखाना चाहूँगा जब यहाँ पे लास्ट टाइम मैच हुआ था, ये आप देख सकते हो। वेस्ट इंडीज विंस द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड, उसके अंदर क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने कुछ 178 बना दिया था और चेस ही नहीं कर पाई वेस्ट इंडीज़ पहले गेंदबाजी करते हुए। तो आप पिच को यहाँ पे देख सकते हो, ऐसी यहाँ पे लास्ट टाइम पिच दिखी थी, बहुत बढ़िया पिच होती है गाबा की। रन्स बनते हैं पिच के ऊपर, भरपूर रन्स होते हैं और यहाँ पे गेंदबाजों को भी मदद मिलती है अगर अच्छी लाइन पे गेंदबाजी करते हैं। यहाँ देखो पिच के ऊपर लाइव ग्रास रहती है, यहाँ पे दिख रहा है हरी हरी ग्रास आपको दिख रही है, तो बहुत बढ़िया पिच यहाँ पे रहने वाली है। और ये अपने टिम डेविड है, ये भाई साहब बात कर रहे थे वहाँ पे कमेंटेटर से, तो मैंने छुपके से वहाँ पे पिच की फोटो निकाल ली थी। मैं सोचा यार अपना काम कर देता हूँ, मैं फोटो निकाल लेता हूँ पिच की, अपना काम हो जाएगा यार। यहाँ पे बाउंड्री डायमेंशन की बात करते हैं, सामने की बाउंड्री यहाँ पे 73 मीटर है, छोटी बाउंड्री है सामने, याद करो। इसी वेन्यू के ऊपर प्रैक्टिस मैच के अंदर शदाब खान को लियम लिंगस्टन ने स्टेडियम के बाहर छक्का मारा था, ये आप सही सुन रहे हो, स्टेडियम के बाहर गई थी। गाबा स्टेडियम के ऊपर सिर्फ 2 प्लेयर्स ने छक्का मारा हुआ है, एक तो बैन कटिंग थे, एक लियम लिंगस्टन है, तीसरा नाम क्रिस लिन है, 3 प्लेयर्स ने मारा हुआ है, ठीक है। तो 3 प्लेयर्स ने सोनी पे ऐसा मारा है। तो देखो सामने की बाउंड्री 73 मीटर है, स्क्वायर बाउंड्री 69 और 80 मीटर एक तरफ है, एक साइड छोटा होता है एक तरफ बड़ा होता है यहाँ पे आमतौर पर मैदान, तो अच्छी बाउंड्री डायमेंशंस है। एक तरफ छोटी बाउंड्री, सामने भी छोटी बाउंड्री, रन बनेंगे यहाँ पर। ये स्टेडियम ऐसा दिखता है, गजब स्टेडियम है, द गाबा द ब्रिस्बेन, ये देख रहे आपको स्टेडियम, ये अपना गाबा गजब स्टेडियम है, शानदार मैच रहेगा। बारिश के यहाँ पे बहुत कम चांसेस है। अब देखो स्वर्णी के ऊपर लास्ट 12 मैचेस के अंदर क्या हुआ, पेसर्स ने 105 विकेट निकाला है, पहली बारी में 56, दूसरी बारी के अंदर 49 है। राइट आर्म पेसर 89, लेफ्ट आर्म पेसर का 16 विकेट है। स्पिनर्स की बात करते हैं तो लास्ट 12 मैच के अंदर स्पिनर्स के 57 विकेट्स है, पहली बारी में 25 है, दूसरी बारी के अंदर 32 है। तो स्पिनर्स यहाँ पे दूसरी बारी के अंदर थोड़ा सा अच्छी गेंदबाजी करते हैं एज कम्पेयर टू द फर्स्ट इनिंग्स। पेसर्स पहली पारी में हल्के से इंपॉर्टेंट, स्पिनर्स दूसरी पारी के अंदर इंपॉर्टेंट है। ऑफ स्पिनर्स 18, लेग स्पिनर्स 29, लेफ्ट आर्म चेयरमैन 3, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स यहाँ पे 7 विकेट है। जो लास्ट मैच हुआ था 7 अक्टूबर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, उस मैच के अंदर 13 विकेट पेसर ने निकाला था, 13 विकेट्स और 1 विकेट वहाँ पे स्पिनर के नाम था। वेदर फोकास भाई मैंने 2-3 बार कह दिया, बढ़िया माहौल है, अब तो मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ यार, वेदर फोकास अच्छे रख के बनाऊंगा मैं, ये आप देखो, ठीक है। तो बढ़िया माहौल है, पूरा मैच आपको देखने को मिलेगा।
मेलबर्न जैसा हाल नहीं है यहाँ पे। न्यूज़ की बात करते हैं, कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आ रही है। दोनों टीम्स ने आपस में 19 मैच खेला है, एक दूसरे का आमना सामना 19 बार किया है, उसके अंदर बांग्लादेश 12 बार जीती है, जिम्बाब्वे 7 बार जीती है। लाइनअप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर नज्जमुल हसन सनन तो ओपन करते हैं, लेफ्टी बैटर है। शमा सरकार लेफ्टी है, लिटिन दास यहाँ पे राइटी बैटर है, शाकिल बसन है यहाँ पे राइट, ये आई मीन लेफ्टी बैटर है, क्षमा चाहता हूँ शाकिब, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, सब जानते हैं किस लेवल का प्लेयर है। आफिफ हुसैन लेफ्टी बैटर, नूरुल हसन विकेट कीपर, मसूदी हुसैन, मैदी हसन मिराज, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, भाई इनका फॉर्म कंसर्न है, मेरे को लग रहा है इस मैच के अंदर का फॉर्म आएगा मुस्तफिजुर का। क्यों आएगा, स्टैट्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं। हसन महमूद गजब गेंदबाज है, राइटर मीडियम पेस गेंदबाज, डेथ और स्पेशलिस्ट है बंदा। इस टीम में देखो कितने लेफ्टीज हैं, नजमुल लेफ्टी, सौम्या लेफ्टी, शाकिब लेफ्टी, आफिफ लेफ्टी, चार लेफ्टीज है टॉप पाँच के अंदर। तो हर बार मैं आपको वही कहता हूँ, सामने देखो जिम्बाब्वे में ऑफ स्पिनर कौन है, मेरे को लग रहा है इस मैच में वैसले मदरवे भी गेंदबाजी कर सकता है ऑफ स्पिनर है, और यहाँ पे सिकंदर राजा तो प्रॉपर ऑफ स्पिनर है। ये भाई साहब मेरे को लग रहा है सुनील नारायण इसके अंदर आ गया, सिकंदर राजा के ऊपर सुनील नारायण आ गया, कैसे इनका एक्शन देखना, एक हाथ छुपा के डालते हैं पीछे, फिर जब बॉलिंग डालने जाते हैं इनका नॉन बॉलिंग आर्म ऊपर रहता है, फिर बाद में इनका जो बॉलिंग आर्म है ना वो आता है, सेम एक्शन ऑफ सुनील नारायण, हेड्स ऑफ टू दिस गाय। शुभमन गिल को भी एक बार मैंने देखा था नेट्स के अंदर ऐसे बॉलिंग करते हुए, कह रहे कि ओपन करेंगे, कैप्टनसी कर रहे हैं वैसले मधुरवे के साथ, मिल्टन शुम्बा मुंडा आएंगे, इनका लास्ट मैच के अंदर बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ था अगेंस्ट पाकिस्तान, भाई क्या खेली थी यहाँ पे जिम्बाब्वे लास्ट मैच के अंदर, 43 बॉल 39 रन चाहिए थे पाकिस्तान को, आई थिंक मोस्टली सब बना लेते पर नहीं बना पाई वहाँ पे पाकिस्तान। मिडल ऑर्डर फिर से कोलैप्स हुआ उनका, सिकंदर राजा, राकेश शिकावा को मिडल ऑर्डर के अंदर भेज दिया गया, रियान मोरे, लिग्स वांगवे, ब्रैड इवांस, रिचर्ड निगरावा, ब्लेसन मुजम्मी आपको खेलते हुए दिखेंगे। बात करते हैं जब दोनों टीम सामना सामना करती है तो क्या होता है। सौम्या सरकार 10 मैच खेले हैं आज तक, जिम्बाब्वे के खिलाफ 298 रन हैं, 37 की औसत है, 3 विकेट है, बैट फर्स्ट 62 नाबाद 43, जिसके ऊपर 68 50 25 20 नाबाद 11 8 7 4। नज्जमुल हसन सैन तो मेरे को लग रहा है सौम्या सरकार इंपॉर्टेंट हो सकता है स्टैट्स वाइज भी, और जिसका रोल है टीम के अंदर वो भी बहुत अच्छा है, ये पार्ट टाइम गेंदबाजी भी कर लेता है नज्जमुल हसन सैन। तो 4 मैच 83 रन है एटपुट के अंदर, बैट फर्स्ट 11, चेस के ऊपर अगेंस्ट जिम्बाब्वे 37 19 नॉट आउट 16 है। लुडिन दास बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस मैच के अंदर, आग बंद करके पिक करना, 9 मैच 42 की औसत है, 294 रन अगेंस्ट जिम्बाब्वे, बैट फर्स्ट 59 38, चेस के ऊपर 60 नाबाद 56 32 19 17 13। शाकिब अल हसन 12 मैच 26 की औसत है, 233 रन है, 15 विकेट है, शाकिब भाई का यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, बैट फर्स्ट 40 27 नाबाद 26 10, जिसके ऊपर 65 25 20 नाबाद 12 4 3 1, बॉल फर्स्ट 8 मैच में 10 विकेट है, बॉल सेकंड 3 मैच के अंदर 5 विकेट है, 2 बार विकेट लस गया बंदा अगेंस्ट जिम्बाब्वे। बेहतरीन स्टैट्स ऑफ शाकिब अल हसन, आफिफ हुसैन का 10 मैच में 176 रन है, बैट फर्स्ट 7, जिसके ऊपर 52 39 नॉट आउट 30 नॉट आउट 24 14 10। यासिर अली हेड टू हेड नहीं खेले, इनको लास्ट मैच नहीं खिलाया गया था याद करो आप, मैं जैसे मिराज को खिलाया था, तो इनके भी स्टैट्स बताऊंगा आपको। नूरुल हसन का 9 मैच में 120 रन है, हर बार चेस करा है नूरुल हसन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ, 42 नॉट आउट 30 नॉट आउट 16 नाबाद 15 9 7 नाबाद 1 नाबाद। मसूद हुसैन याद करो जून जुलाई का महीना था, इसी साल की बात कर रहा हूँ मैं, आपको फ्लैशबैक के अंदर लेके जा रहा हूँ मैं, इसलिए ऐसा बोलता हूँ मैं। तो याद करो मसूद हुसैन प्लेयर ऑफ द मैच आप कह सकते हो, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे ड्यू टू हिज बॉलिंग परफॉर्मेंस। क्यों, जिम्बाब्वे की कमर तोड़ दी इस बंदे ने, जिम्बाब्वे के खिलाफ मसूद हुसैन के 6 मैचों में 8 विकेट है, मेरे को लग रहा है इस मैच में भी गेंदबाजी करने आ सकते हैं, देखते हैं क्या होता है, टीम पे डिपेंड करता है, स्टैट्स अच्छे हैं, बैट फर्स्ट 2 जिसके ऊपर 30 नबाद 15 13 0, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम भी जानती है इवन बांग्लादेश की टीम जानती है कि यहाँ पे मसूद हुसैन ने लास्ट टाइम जब ये दोनों टीम्स फेस करी थी तो क्या किया था। तो बॉल फर्स्ट 5 मैच के अंदर 8 विकेट है, एक बार विकेट लेस गए मसूद हुसैन अगेंस्ट जिम्बाब्वे, गेंदबाजी कर सकते तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तस्कीन अहमद 4 मैच में 1 विकेट है, बॉल फर्स्ट 4 मैच के अंदर 1 विकेट है, 3 बार विकेट लस गए। मुस्तफिजुर मैं क्यों कह रहा था फॉर्म में आ सकता है बंदा, इनका अगेंस्ट जिम्बाब्वे 12 मैच 23 विकेट्स है, बॉल फर्स्ट 8 मैच में 15 विकेट है, बॉल सेकंड 4 मैच के अंदर 8 विकेट है, आज तक विकेटर्स नहीं गए अगेंस्ट जिम्बाब्वे, बेहतरीन प्लेयर है, फॉर्म बहुत बड़ा कंसर्न है, जब से T20 ट्राई सीरीज चालू हुई तब से मैं आपको ये कहता रहा हूँ, और अभी भी वही हो रहा है, फॉर्म कंसर्न है, लेकिन मेरे को अब लग रहा है इस मैच में फॉर्म में आ सकता है बंदा, पूरा माहौल सेट है ना इसलिए। हसन महमूद का 3 मैच में 3 विकेट है, बॉल फर्स्ट करते हुए एक भी विकेटलेस नहीं गया, सैफुद्दीन मैदी हसन मिराज ने हेडपुट नहीं खेला है, स्टार्टिंग ओवर टस्किन अहमद, मुस्तफिजुर, हसन महमूद, शाकिब अल हसन, डेथर के अंदर मुस्तफिजुर, हसन महमूद, मैम महमूद है ठीक है। चलते जिम्बाब्वे की तरफ, रगिश काबा 9 मैच खेला है, 15 की औसत है अगेंस्ट बांग्लादेश, 134 रन है, बैट फर्स्ट 48 43 17 14 8 0 0, चेस के ऊपर 4 0 है,
क्रेग इरविन आएंगे यहाँ पे 8 मैच के अंदर 129 रन 16 की औसत है। बैट्स 29 24 21 20 11 1 वर्सेस बांग्लादेश, शेष के ऊपर 15-8 है। तो भाई साहब इनके अच्छे स्कोर्स नहीं है, हेड टू हेड के अंदर इतने रन नहीं बनाए इन्होंने, वैसले मदरे हुए। 8 मैच 33 की औसत है, 230 रन है। बैट फर्स्ट 73 66 नाबाद 54 23 5-4-0 चेस के ऊपर 4 है। फ्लेयर अच्छा है, अच्छी बारी खेल भी सकता है, हेड टू हेड के अंदर 2 विकेट भी है। और आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी, लास्ट मैच के अंदर जब इनका बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ था ना, तो इनके टॉप 4 में भी 3 लेफ्टीज आ चुके हैं। क्रेग इरविन लेफ्टी, वैसले मदरवे राइटी हैं, मिल्टन चुंबा लेफ्टी, शेन विलियम्स लेफ्टी हैं, तो इनके भी यहाँ पे 3 लेफ्टीज आ चुके हैं टॉप ऑर्डर के अंदर। तो दोनों तरफ से ऑप्शनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मदरवे की बात कर ली, शॉन विलियम्स की बात करते हैं। 15 मैच में 186 रन 3 विकेट हैं, विद द बॉल इतना खास परफॉर्मेंस नहीं आया है। बैट फर्स्ट 9 मैच में 103 रन है, चेस के ऊपर 5 मैच में 45 रन है। जो शॉन विलियम्स का एडवर्ड स्ट्राइड्स इज बिलो पार, सीधी बात कही है मुँह पे मैंने, बॉल फर्स्ट 5 मैच के अंदर 0, बॉल सेकंड 8 मैच में 3 विकेट है, 10 बार विकेट लग गए हैं 15 मैच खेल गए अगेंस्ट बांग्लादेश। सिकंदर राजा वन मैन आर्मी शो, 15 मैच के अंदर 222 रन 7 विकेट है। बैट फर्स्ट 12 मैच में 176 रन है, बैट सेकंड 3 मैच में 46 रन है, बॉल फर्स्ट 1 मैच में 1 विकेट है, बॉल सेकंड 10 मैच में 6 विकेट है, 6 बार विकेट लग गया। मिल्टन चुंबा 5 मैच के अंदर 7 रन है, एटवुड के अंदर 2 ही पारियों में बैट करा है, 4 बैट फर्स्ट 3 बैट फर्स्ट, इस साल अच्छे फॉर्म में दिखा है। इस साल का फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने, 21 मैच 26 की औसत है, 413 रन, इस साल अच्छे फॉर्म में दिखा मिल्टन चुंबा। लास्ट मैच में एक अच्छा पुल भी मारा था। इरान बुरेल 8 मैच 213 रन है, 2 विकेट है, बैट फर्स्ट 57 नॉट आउट 54 34 नाबाद 32 31 4-0 नाबाद 1। याद करो 6 बॉल में आई थिंक 6 छक्के, तो 5 छक्के मारे थे इस बंदे ने, 5 छक्के मारे थे शायद एक ही ओवर के अंदर। ये वही प्लेयर है अगेंस्ट दिस टीम बांग्लादेश, बहुत पसंद करता है बांग्लादेश को ये, विद द बैट परफॉर्म बहुत बड़ा कंसर्न है, तो मैं शायद प्रीफर नहीं करूंगा। लुक जोंगी का 10 में 10 विकेट है, बॉल सेकंड करा है, 3 बार विकेट लग गया हर बार। ब्रैड इवांस ने एटवर्ड नहीं खेला है। नगरावा का 3 मैच में 2 विकेट है, हर बार बॉल सेकंड करा है, 1 बार विकेट लग गया। ब्लेसिंग मुजोबनी का 3 मैच के अंदर 4 विकेट है, वो भी बॉल सेकंड में रहा सारा का सारा, 1 बार विकेट लग गया। चतारा 4 में 4 विकेट है, 2 बार विकेट लग गए और दोनों मतलब ये 4 मैच खेले ना, बॉल सेकंड करा हर बार। स्टार्टिंग में ब्लेसिंग मुजब्बानी, रिचर्ड नगरावा, छतरा तो ब्रैड इवांस आएंगे। डेथर के अंदर ब्लेसिंग मुजब्बानी, रिचर्ड नगरावा, छतरा तो ब्रैड इवांस। मेरे हिसाब से ब्रैड इवांस को खिलाना चाहिए, प्रॉपर ऑलराउंडर है, इसके अंदर ड्विन पीटर्स की झलकी दिखती है जब गेंदबाजी करता है, सेम टू सेम वैसा ही दिखता है, वैसी बॉलिंग करता है। और बांग्लादेश की बात करते हैं यहाँ पे, तो शाकिब हसन ने ऑस्ट्रेलिया कंट्री के अंदर 6 मैच खेला, 9 विकेट 87 रन द बैट है वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले। और कोई प्लेयर इस वेन्यू पे तो खेला ही नहीं है, गाबा के ऊपर ना बांग्लादेश ने खेला है ना जिम्बाब्वे ने खेला है, तो क्या ही आपको वेन्यू स्टेट्स में बताऊंगा। यहाँ पर मैचअप्स की बात करते हैं, सौम्य सरकार का मैचअप बनता है लुक जोंगवी, ब्लेसिंग मुजबानी, टंडाई छत्रा के सामने। अब कैसे समझना है, लुक जोंगवी के सामने 15 गेंद 28 रन 1 बार आउट में, ब्रैकेट के अंदर मैं बॉल लिखता हूँ बाहर रन लिखता हूँ। तो ब्लेसिंग मुजबानी के सामने सौम्य सरकार ने 16 रन बनाए 18 गेंद के अंदर 1 बार आउट में, नज्जा मुलुसन सनन तो वर्सेस लुक जोंगवी 23 गेंद 17 रन 1 बार आउट के। लास्ट मैच में आई थिंक उन्होंने 2 ओवर डाला था, लिटिन दास वर्सेस सिकंदर राजा, 96 बॉल 127 रन 3 बार आउट किया 2 बार पहली बारी में। नगरावा ने 52 गेंद में 52 रन देकर 2 बार आउट किया, छतारा ने 83 बॉल में 73 रन देकर 2 बार आउट किया। शाकिब हसन वर्सेस सिकंदर राजा, लेफ्टी बैटर वर्सेस ऑफ स्पिन, 101 गेंद 72 रन 2 बार आउट, आई मीन 3 बार आउट किया सिकंदर राजा ने साकिब को 2 बार पहली पारी में। जोंगवी ने 41 बॉल के अंदर 60 रन देकर 2 बार आउट किया हुआ। चलते हैं यहाँ पे अफीफ हुसैन वर्सेस लुक जोंगवी, 58 गेंद 90 रन 2 बार आउट किया दोनों बार दूसरी पारी में। सिकंदर राजा ने 58 बॉल में 61 रन देकर 2 बार आउट किया हुआ है। नूरुल हसन वर्सेस राजा चतारा, राकेश चिकाबा का मैचअप बहुत बड़ा है यहाँ पे, 3 प्लेयर्स के सामने, वैसे मोस्टली 2 प्लेयर्स के सामने, मुस्तफिजर के सामने 62 गेंद 48 रन 4 बार आउट हुए 3 बार दूसरी बारी में। शाकिब के सामने यहाँ पे रेगिस्तिक 126 गेंद में 100 रन बनाए 4 बार आउट हुए। चलते हैं यहाँ पे क्रेग इरविन की तरफ, इनका मैचअप बनता है मुस्तफिजर के सामने, उससे ज़्यादा बताऊँ किसके सामने बनता है, मसूद के सामने। मसूद के सामने क्रेग इरविन ने 19 गेंद में 13 रन बनाए 2 बार आउट हुए, दोनों बार पहली बारी में। और मुस्तफिजर के सामने 43 बॉल में 33 रन 2 बार आउट हुए। शाकिब के सामने 56 गेंद 38 रन 4 बार आउट हुए, 3 बार तो पहली बारी में। वैसले मदरवे वर्सेस मुस्तफिजर, 29 बॉल 30 रन 2 बार आउट है, दोनों बार दूसरी बारी के अंदर, तो भी बहुत अच्छा मैचअप है। मैं वैसले मदरवे को क्यों ले रहा हूँ, मेरे को लग रहा है मतलब ऐसा नहीं है कि बॉलिंग कर रहे हैं आ जाएगा, सामने 4 4 लेफ्टीज है टॉप ऑर्डर के अंदर, तो वैसले मदरवे और वहाँ पे सिकंदर राजा कम से कम 6 या तो 7 ओवर डालने चाहिए दोनों मिलके, 4 ओवर तो वहाँ पे डालेंगे राजा, 2-3 ओवर वैसले मदरवे को डालना चाहिए, अच्छा मैचअप होगा, तो इसलिए मैं ले रहा हूँ। विद द बैट तो मेरे को लग रहा है मुस्तफिजर के सामने अटकते हैं, 29 गेंद 30 रन। मैं दिएस मिराज के सामने भी अटके हैं, शाकिब के सामने भी अटकते हैं, 41 गेंद 39 रन 2 बार आउट हैं, दोनों बार दूसरी बारी में। फॉर्म अच्छा है इनका, इसलिए मैं ले रहा हूँ।
शॉन विलियम्स व्हाट्स द स्मूथ सॉफ्टवेयर, 49 बॉल 25 रन, 2 बार आउट हुआ, मस्त देखकर सामने 16 गेंद 11 रन, 3 बार आउट हुआ और 3 बार पहली पारी में। तो आप देखो शॉन विलियम्स फंसते हैं मस्त देखकर सामने और क्रेग इरविन भी फंसते हैं मस्त देखकर सामने। तो थोड़ा थोड़ा यार माहौल बन रहा है मस्त फिजर वर्सेज सिकंदर राजा। 142 बॉल 132 रन, 7 बार आउट किया यहाँ पे मुस्तफिजुर ने सिकंदर राजा को, 4 बार दूसरी बारी में। शाकिब ने 3 बार आउट किया 91 बॉल में 72 रन देके, 2 बार दूसरी बारी में। सैफुद्दीन ने 3 बार आउट किया। मेल्टन शुभा वर्सेस मुस्तफिजुर, रियान बुरेल वर्सेस सैफुद्दीन। कॉमन कैप्टन सिकंदर राजा, शाकिब हसन, ये दोनों मेरे हिसाब से आपके टॉप मोस्ट पे होने चाहिए, प्रॉपर ऑलराउंडर्स है, दे आर द वन मैन आर्मी ऑफ द टीम। बड़ी लीग्स में शाकिब, राजा, सौम्या सरकार, मुस्तफिजुर अलग जाना है, वर्सल मदरवे, शॉन विलियम्स, लिटिन दास को प्रोटेक्ट कर सकते हो। बात करेंगे फिर ड्रीम इलेवन टीम की, तो हमें कैप्टन है शाकिब, वाइस कैप्टन राजा है और लास्ट मैच में शॉन विलियम्स का अच्छा इंटेंट था क्रेग इरविन ने, इनको आप ड्रॉप कर सकते हो चाहे तो, स्टैट्स इनके बिलो पार लग रहे हैं। लिटिन दास है, सौम्या सरकार, वर्सल मदरवे, पूरी टीम आप देख सकते हो। टस की नमत के बल्ले आप किसको ले सकते हो, मैं शायद टस की नमत के बल्ले मसूद को ले सकता हूँ उस मैच में, पर ये बात वही है कि मसूद गेंदबाजी करेंगे या नहीं करेंगे किसी को नहीं पता, करने तो चाहिए लॉजिकल, मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ। अगर मैदी हसन मिराज नहीं खेलते ना इस मैच में और यासिर अली खेलते हैं, लास्ट मैच सेकंड लास्ट मैच में वही हुआ था, तो वैसे आप मौसम देखो मैं पक्का ही लूँगा वहाँ पे, क्योंकि इस टीम का फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। मैदी हसन मिराज खेलते हैं तो वो इस टीम के फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे, तब मैदी हसन मिराज ज़्यादा ओवर डालेंगे क्योंकि सामने लेफ्टीज रहेंगे, समझ रहे हो, दोनों ऑफ स्पिनर्स हैं, दोनों साथ में खेलेंगे तो मैदी हसन मिराज ज़्यादा रेगुलर बॉलर है तो उनको ज़्यादा ओवर दिए जाते हैं। अब देखो बड़ी लीग करना बिल्कुल घबराना नहीं है आपने, लिटिन दास अच्छे फॉर्म में, अच्छे पे गया और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रेग इरविन आपको कॉल रहेगा, वैसे तो उनका फॉर्म कंसर्न ही रहा है, और फिर भी आप चाहे तो ले सकते हो। सब में सरकार इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे वैसल मदरवे हैं, और मेरे को लग रहा है यहाँ पे चाहे तो आप क्रेग इरविन के बदले किसी और प्लेयर को रोटेट, मिल्टन शुम्बा को रोटेट कर सकते हो, जिस साल मेरे को अच्छे फॉर्म में लगा है मिल्टन शुम्बा, दो तीन जो शॉट्स मारता है बहुत अच्छे शॉट्स मारता है, बिलो लो ऑर्डर के अंदर आता है, चिंता की बात है। ये देखा इन्होंने लास्ट मैच में मौसम गुस्से ने 2 डाला था, तो इस मैच के अंदर भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। टस्किन अहमद आपका कॉल रहेगा, बैसम मुजरमान इंपॉर्टेंट लग रहा है, युवांस भी बहुत अच्छे गेंदबाज है, हसन महमूद डेथर में आते हैं इंपॉर्टेंट है, मुस्तफिर इंपॉर्टेंट है, और किसी भी प्लेयर का प्रोटेक्ट कर सकते हो। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आगे दे दूंगा, टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल कमेंट सेक्शन प्लस में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर दिस बिग गेम, इट्स अ बिग टाइम, इट्स आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022, शानदार मैचेस रह रहे हैं यार यहाँ पे, इन्जॉय करें हर पल को, विन लूज चलता रहता है लाइफ के अंदर, कुछ आप लेके जाओगे नहीं, बस आप इन्जॉयमेंट लेके जाओगे, तो इन्जॉय करें मैचेस को, आपको यही कहूँगा मैं, रिस्क लें, रिस्क से टीम बनाए भाई, कुछ नहीं होगा, रिस्क लो मजे से, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, मैं खुद लूँगा। जैन सिसोन, टेक केयर, लव यू गाइस।